पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। गुज़श्ता चार दहाइयों से खित्ता मसाइल का सामना करता रहा। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियों के बाद अमन हासिल किया है। खित्ते में अमन खराब करने वाले अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान पाक अफवाज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह कर दिया। लेट मी कोट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आल्सो एंड आर्मी चीफ भी ये बात कर चुके हैं कि हम अपनी सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। हर वो काम करेंगे जो खित्ते को अमन की तरफ लेके जाए। का के साथ हमारे बायलैटरल ताल्लुकात हैं, उसमें ट्रेनिंग कोऑपरेशन सस्पेंड हुआ था पिछले 4-5 महीने से। इस पे अमेरिका अपनी बातचीत कर रहा था रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन में जो ट्रेनिंग एंगेजमेंट है वो चलती रहती है। तो एक चीज जो कि काफी महीने पहले से चल रही थी और हुई थी, उसको इस वाक्य के साथ लिंक करना उसी प्रोपेगेंडे मुहिम का हिस्सा है। मैं फिर कहूंगा कि हमने बहुत कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में इस अमन को हासिल किया है। हम खित्ते में अमन के लिए भरपूर अदा करेंगे, किरदार अदा करेंगे और इस अमन के खराब होने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। चाहिए कि वो इन धमकियों के बजाय मकबूजा कश्मीर में जारी मुहासरे को ख़त्म करने, वहाँ पर जुल्म व सितम बंद करने और तमाम भारत में जारी हिंदुत्व के जेर असर जो जुल्म व सितम चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनको बंद करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे।